अच्छा जी, नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द सेंसेशन ऑफ द स्मेल. व्हाट इज द सेंस ऑफ स्मेल? आवाज आ रही है आपको? सेंस जी ऑफ द सर, आ स्मेल. रही है. ओके, सेंस ऑफ स्मेल. सेंस ऑफ स्मेल जो है वो है सेंस ऑफ स्मेल. एज यू पीपल नो दैट द सेंस ऑफ स्मेल इज पुअरली डेवलप्ड इन द ह्यूमन बीइंग्स. But in animals, especially the lower animals, it is well developed. That's why the animals are used for several purposes, like security purpose. There are many dogs are used for such type of purposes. तो जो animals होते हैं उनमें sense of smell जो है वो ज्यादा होती है animals में. उसके बाद अब हम शुरू करते हैं सेंस ऑफ स्मेल. इसमें ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन आती है सबसे पहले. ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन इज बेसिकली प्रेजेंट एट द सुपीरियर पार्ट ऑफ द ईच नॉस्ट्रल्स. मीडियली ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन हैज फोल्ड्स अलोंग द सर्फेस ऑफ द सुपीरियर सेप्टम एंड लेटरली इट फोल्ड्स ऑन द सुपीरियर एंड मिडल टर्बिनेट. देर आर थ्री टर्बिनेट्स. Maybe you have studied in the anatomy, superior, middle, and inferior turbinate. So medially, olfactory membrane folds along the surface of the superior septum, and laterally, it folds on the superior and middle turbinate. There are about 10 to 20 million receptors. यानी एक से दो करोड़ receptor होते हैं हमारी smell के. और इसका जो सरफेस एरिया है इट इज ओनली 2.4 स्क्वायर सेंटीमीटर. सिर्फ 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है और जिसमें 10 मिलियन का मतलब हुआ, हाँ, 1 से 2 करोड़ रिसेप्टर्स. नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, दिस इज द म्यूकस लेयर इन द नोज एंड हेयर आर द ऑल्फैक्टरी सिलिया. देर आर अबाउट 3 to 4 olfactory cilia, and then this is the olfactory cell. This olfactory cell lies on the sustentacular cells. These olfactory cells lies on the sustentacular cells, and then these olfactory cells. Here there is a tuft of capillaries that is called as glomerulus, not capillaries, basically tuft nerve ka. Tuft of nerve that is called as glomerulus, and then this is the mitral cells, and then this is the olfactory nerve. ये जो सारा portion है, इसको हम कहते हैं olfactory bulb. Glomerulus, mitral cells, इसको हम कहते हैं olfactory bulb. तो ये है olfactory bulb. यहाँ से फिर olfactory tract, और ये first cranial nerve होती है, ये फिर आगे brain तक जाती है. ये इसका pathway भी मैं अभी आपको बताता हूँ. अब इसकी थोड़ी सी डिटेल है कि दीज आर द ऑल्फैक्टरी सेल्स आर द बाइपोलर सेल्स. देयर आर अबाउट 100 मिलियन ऑफ द ऑल्फैक्टरी सेल्स एंड दीज ऑल्फैक्टरी सेल्स द हियर यू कैन सी दैट दिस इज द ऑल्फैक्टरी सेल एंड दीज ऑल्फैक्टरी सेल्स लाइज ऑन द सस्टेंटेकुलर सेल्स एंड देन देयर इज द नॉब. दिस इज इन द ऑल्फैक्टरी सेल. दिस इज द ऑल्फैक्टरी सेल. दिस इज द ऑल्फैक्टरी सिलिया. देयर आर अबाउट 4 to 25 olfactory hair cells, yani olfactory cilia. Ye yahan pe 4 to 25 olfactory cilia hote hain. And these olfactory cilia, they form like mat-like structure on the membrane, mucus layer. Ab yahan se jo bhi hogi smell ki jo sensation hai, wo is tarah, ye nose hai, yahan se ye pass karti hui olfactory cells, phir jo hai ये पास करते हुए ऊपर चली जाएगी ऑल्फैक्टरी बल्ब में. ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है उसमें माइट्रल सेल्स और ग्लोमेरुलस है, और फिर ये फर्स्ट क्रैनियल नर्व यानी ऑल्फैक्टरी नर्व के जरिए ये आगे ब्रेन में चली जाएगी. ये है हमारी सेंस ऑफ स्मेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. अच्छा जी, इसकी स्टिमुलेशन कैसे होती है? इसकी स्टिमुलेशन इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सेंस ऑफ स्मेल की स्टिमुलेशन कैसे होती है. यहाँ पे दिस इज द ऑडोरेंट. कोई भी जो केमिकल है ऑडोरेंट जिसकी स्मेल है, चाहे वो प्लेजेंट है या अबनॉक्सियस स्मेल है, ये अटैच करता है ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है. इसके फोल्ड्स होते हैं. इसका जो आउटर फोल्ड है उसके साथ ये ऑडोरेंट जो है ये अटैच होता है.
ये जो रिसेप्टर प्रोटीन का जो आउटर फोल्ड है, फिर ये जो इनर फोल्ड है यहाँ पे होते हैं ये जी प्रोटीन रिसेप्टर GPCR, उसके तीन सब यूनिट्स होते हैं अल्फा बीटा एंड गैमा, ये तीन सब यूनिट्स होते हैं। फिर अल्फा सब यूनिट जो है वो अलहदा हो जाता है और ये एडिनाइल साइक्लेज के साथ अटैच होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी जो है ये सोडियम चैनल्स को ओपन करती है, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज द इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम आयंस। जब सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है तो इनसाइड जो -55 mV का जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और हमें ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है स्मेल का। ये देखें, अब इसको मैं डिटेल के साथ बता रहा हूं कि केमिकल स्टिमुलाई जब भी होता है ये ऑडोरेंट, इट विल बी अटैच टू द आउटर फोल्ड ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन। ओके, देन दिस रिसेप्टर प्रोटीन इनसाइड द फोल्डिंग इनसाइड देर आर GPCRs, it has three subunits alpha beta and gamma. Alpha subunits break away from the this G protein receptors and it activates the adenylyl cyclase. As a result of that ATP is converted into cyclic AMP and it will allow the cyclic AMP jo hai it will ye jo cyclic AMP activates the sodium channels and it opens the sodium channels and it allows the sodium channel to move inside. As a result of that there will be the excitation of the olfactory neuron ke electrical potential jo hai wo change hona shuru ho jayega, jaise jaise sodium inside aayega wo negativity se positive hona shuru ho jayega aur wahan pe electrical potential generate hoga jo ke aage fir first cranial nerve ko excite karega aur is tarah jo signal hai wo ब्रेन तक पहुंचेगा, सीएनएस तक चलेगा पहुंचेगा। अब मैं आपको ये देखिए -55 mV होता है उसका पोटेंशियल, जब सोडियम आयन मूव करता है तो ये पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अडाप्टेशन है बेसिकली, अडाप्टेशन ऑफ द स्मेल जो है वो साइकोलॉजिकल फिनोमिना ज्यादा है अडाप्टेशन का। अब आ जाती है जैसे सेंसेशन ऑफ टेस्ट थी इसी तरह प्राइमरी सेंसेशन ऑफ द स्मेल भी है। कुछ लोग कहते हैं कि 1000 तक जो है प्राइमरी सेंसेशन ऑफ द स्मेल है, लेकिन मेन जो सेंसेशंस प्राइमरी सेंसेशन ऑफ स्मेल वो है ये वाली है मस्की, फ्लोरल, पेपरमेंट, एथीरियल, पंजेंट, प्यूट्रेट, दीज आर द प्राइमरी सेंसेशन ऑफ द स्मेल। इस तरह टेस्ट ब्लाइंडनेस था, कलर ब्लाइंडनेस होती है, इसी तरह ऑर्डर ब्लाइंडनेस भी होती है। एक तो होती है अडाप्टेशन कि एक जो स्मेल है उसको कंटिन्यूसली अगर किसी बंदे को दी जाए तो उससे उसको अडाप्टेशन हो जाती है, और एक होती है ब्लाइंडनेस कि उसको उस स्मेल की ब्लाइंडनेस ही नहीं, उसको वो स्मेल परसीव ही नहीं होती। ऑर्डर ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसी एक सिंगल सब्सटेंस के साथ हो सकती है और ज्यादा सब्सटेंसेस के साथ भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ब्लाइंडनेस कि उसको स्मेल होती नहीं है। थ्रेशोल्ड ऑफ द स्मेल ये जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें कि स्मेल जो है नेचर ने हमारे अंदर एक स्पेशल फीचर रखा है कि ये जो स्मेल है इवन माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ केमिकल जो है वो अगर एयर में प्रेजेंट होगा तो वो उसको भी स्मेल कर लेगी। आपने ये देखी होगी ये जो हमारी नेचुरल गैस है फॉन गैस या इसको जो भी कहते हैं सुई गैस, whenever they supply this gas in cylinders and if there is the leakage of this gas we can smell it, हम इसको स्मेल कर लेते हैं। वो एक सब केमिकल है उसको हम कहते हैं मिथाइल मरकप्टान। ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में यानी 25 trillionth ऑफ ए ग्राम ये प्रेजेंट होता है उस गैस में, और जब भी ये गैस लीक होती है कहीं से भी तो ये हमें उसकी स्मेल आ जाती है, और ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में ये जो केमिकल है ये ऐड किया जाता है। और इसका जो सिक्योरिटी है वो देख लें कि कितनी ज्यादा है कि इससे इंसान जो है वो सिक्योर फील
यानी वो सिक्योर हो जाता है कि जहां से भी गैस लीक हो रही हो, वी कैन स्मेल इट एंड वी कैन स्केयर आवर सेल्फ। नाउ यू कैन इमेजिन इफ दिस केमिकल मिथाइल मरकैप्टान इज नॉट अवेलेबल और दिस केमिकल वॉज नॉट अवेलेबल, सो यू कैन वेल इमेजिन दैट हाउ मच इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स वुड हैव हैपेंड, कि कितने हादसात हो जाते। ऑल्दो देर आर मैनी इंसिडेंट्स बट द नंबर इज मच मच लेस ड्यू टू द दिस केमिकल, सो वी शुड बी थैंकफुल टू दिस मिथाइल मरकैप्टान। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पाथवे पे। ये है पाथवे जो है ना, इसका स्मेल का पाथवे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट इमेजिन के आपका नॉस्ट्रिल, उसमें ऑल्फैक्ट्री मेम्ब्रेन है, वहां पे 1 to 2 crore 10 to 20 million ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। अब ऑल्फैक्ट्री मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया कि मीडियली और लेटरली है। लेटरली जो है ये सुपीरियर और मिडल टर्बिनेट पे है, और मीडियली है फोल्ड्स पे। ओके, अब ये जो ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स वहां पे ऑल्फैक्ट्री मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है म्यूकोजा पे, वहां पे वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल्फैक्ट्री बल्ब, ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट, उसमें ग्लोमेरुलस और मिट्रल सेल्स। अब यहां से ऑल्फैक्ट्री जो नर्व, देन ऑल्फैक्ट्री बल्ब, ऑल्फैक्ट्री बल्ब, देन इट विल द सिग्नल विल ट्रेवल टू द फर्स्ट क्रेनियल नर्व एंड इट विल रीच टू द थैलमस। अब ये कैसे पहुंचती है, ये एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं ऑल्फैक्ट्री पाथवे की। ये डायग्राम जो है ना, ये पहले ये मैं आपको स्ट्रक्चर देख लें, ये देखें, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द ऑल्फैक्ट्री एरिया, इसको हम प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री एरिया भी कहते हैं, एंड दिस इज द ऑल्फैक्ट्री बल्ब, ये ध्यान में रखें, और ये भी ऑल्फैक्ट्री एरिया है, ये ऑल्फैक्ट्री एरिया है, ये दो, ये ऑल्फैक्ट्री बल्ब है और फिर थैलमस। अब मैं आपको एक और, ये इस डायग्राम में यू कैन सी दिस इज द प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स, ये, बट इट इज डीप है, इनसाइड डीप है, दिस इज द इंटीरियर साइड, दिस इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन, दिस इज द प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स एंड इट इज डीप इनसाइड डीप। अब इसका पाथवे क्या है, पाथवे मैं आपको बताता हूं, पाथवे ये मैंने एडमिट तो कर दिया भाई सब। पाथवे यू कैन सी दैट व्हेनेवर देयर इज ऑडोरेंट मॉलिक्यूल, कोई भी स्टिमुलेंट है जिसकी स्मेल है, यहां से म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो मैंने आपको बताया कि 1 to 2 crore हैं, फिर ये पास करेगा वो फर्स्ट डायग्राम अगर आपके माइंड में हो कि वहां पे ग्लोमेरुलाई और मिट्रल सेल्स और फिर लेटर ऑल्फैक्ट्री, ये अभी इसको छोड़ें, ये जो है ये फिर चला जाता है ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स में, दिस इज द प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स जो मैंने अभी आपको बताया कि वो डीप है। ये इस डायग्राम में आपको देखें, इस डायग्राम में देखें, दिस इज द ये प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स, ये पड़ा हुआ, दिस इज द प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स, ये ब्लू कलर का, ये प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स जो कि यहां से ऐसे इस डायग्राम में सुपरफिशियल दिखाया गया, ये देखें, और इस डायग्राम में ये डीप दिखाया गया, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ, ठीक है जी, ये है प्राइमरी। वेटिंग लिस्ट चेक कर लें दोबारा जी, वेटिंग लिस्ट चेक कर लें। ओके, दिस इज द प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स। ओके जी, अब ये प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स से जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल्स हैं, दैट विल पास टू द फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस, फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस, समझ आई? पार्टिसिपेंट्स, यहां तक इंफॉर्मेशन, ये जो है स्मेल के सिग्नल्स ट्रेवल करेंगे, ये पाथवे है, वेरी सिंपल पाथवे, ऑडोरेंट मॉलिक्यूल, इट विल अटैच टू द ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्ट्री मेम्ब्रेन एंड देन टू द प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स जो कि डीप पड़ा हुआ है। अब ये उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्रीफॉर्म कॉर्टेक्स, पेरिमिगडलाइड और ये वो सारे, एंटीरियर ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स,
लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये जो है फर्स्ट क्रेनियल नर्व के जरिए, यानी ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट और फिर फर्स्ट क्रेनियल नर्व के जरिए ये जो है सिग्नल्स विल पास टू द ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स दैट इज इन द डीप, एंड देन फ्रॉम द ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स द सिग्नल विल पास टूवर्ड्स द थैलेमस एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स, और हमें सेंस की परसेप्शन होती है. ये है सॉरी स्मेल की परसेप्शन होती है, ये है सेंसेशन ऑफ द स्मेल, उसका पाथवे. ये एक और तरीके से डायग्राम दिखाई है कि ये देखिए ऑल्फैक्टरी बल्ब, वही माइट्रल एंड डक्ट सेल्स हैं, फिर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होगा, ये ग्लोमेरुलस भी दिखाया हुआ है, फिर प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स और प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स से फिर ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स और थैलेमस तक जो है वो सिग्नल जा रहा है. तो आपने ये जहन में रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें, सेंस ऑफ स्मेल का ये जो है ट्रैक. ठीक हो गया, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा.